गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत। और शुरुआत में ही हुआ क्या कि मेरी गाड़ी जो है पार्किंग में ऐसे लगी हुई थी कि उसके आगे भी किसी ने गाड़ी लगा दी, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। सारे के सारे फ्रेंड वेट कर रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए और मैं यहाँ पर गाड़ी निकालने में लगा हुआ था, क्योंकि गाड़ी निकाल रहा था तो मैंने कहा वीडियो बाद में बनाएंगे, ब्लॉगिंग तो आपके साथ बात होती रहेगी, लेकिन कम से कम मैं गाड़ी निकाल के पहले कार में बैठूं, फटाफट से निकलूं, क्योंकि बहुत टाइम से क्रिकेट खेलने नहीं गया तो पूरी की पूरी किट रेडी करनी पड़ी, सारे बैट वैट इधर उधर विकेट सब फैला हुआ था, तो सारा सेट किया और फिर भूख लगने लग गई फ्रेश वगैरह होने के बाद, तो एक खीरा खा रहा हूँ भाई। चलते हैं फटाफट, दोस्त यार वेट कर रहे होंगे। राहुल कुछ टीम में अलग तो नहीं है, वही टीम है। चल भाई आजा, 1000 रुपए का बहुत ज्यादा, बहुत दिन हो गए ना, इतने दिन बाद खेलेगी तो ऐसे ही होगा। चल रही है सारे दोस्तों की स्कूटी बाइक कुछ भी कह लो, अब जा रहे हैं जूस पीने के लिए। बहुत गर्मी लग गई, बहुत ज़्यादा खेला नहीं गया, बहुत दिन बाद खेलने आए थे। ओह माय गॉड, सबसे ज़्यादा पिटाई हो गई मेरी बॉलिंग में आज, बहुत दिन बाद खेलने का नतीजा है ये। चीयर्स, पता लगा कोई स्कूटी से उड़ा देता। ले गया अमरूद, करते हैं पेमेंट अब। तो वैसे वक्त हो गया, पिछले हफ्ते बहुत ही टेस्टी लगा था हमें पोहा, तो इस बार भी हम पोहा ही खाएंगे और पियेंगे गर्म गर्म चाय। वैसे कितने टाइम में रिकमेंडेड है इनकी सर्विस वगैरह कराना? सात महीने में बोल रहे हैं, वैसे तो एक साल बाद बोले थे हमें। अच्छा जो खाना वाना गिरता है ना इसके अंदर, देखो अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम तो ये हटा लेते थे, ये हटाना तो हमें आता है, ये वाला तो खोल के ही कर पाएंगे ये। हाँ ये क्या कर रहे हो? ग्लास निकालना पड़ेगा ना। क्या ग्लास? ग्लास ग्लास मतलब ये जो पूरा निकालना पड़ेगा। रुको 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 रुको, ये तो कुछ और ही निकाल रहे हो यार आप। सर ये एक्चुअली मैं चिपका हुआ था तो ऐसे ही निकलेगा, उसमें से निकलेगा ये तो कुछ और ही तरीके से निकल रहा है, लेकिन फट नहीं रहा है ये। कोई पूरा निकल तो रहा है गैस से, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप ये तो निकल रहे हो। मैम ये पूरा गैस से निकलता है, ये सिर्फ ग्लास ग्लास हटेगा तब ये हटेगा, क्योंकि पैक है नीचे से ही। लेकिन ये फट रहा है जैसे ये इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, वो चिपक जाएगा दोबारा से जब सेट होगा ना इस पे। एक्चुअली हम पूरा का पूरा ग्लास निकालते थे, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक ग्लास निकाल रहे हैं, ये नीचे वाला रहने दे रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है ये। नहीं ऐसे टूट भी सकता है यार, पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा। तो आप किसी भी सर्विस पर चेक करवाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। ये डेंजरस था यार, बिल्कुल डेंजरस है ये, नया था मेरे लिए, आज तक नहीं देखा मैंने इस तरीके का। अच्छा इन्होंने सिर्फ ग्लास निकाला है, पूरा नहीं निकाला। आगे चिपकेगा वैसे? बिल्कुल चिपक जाएगा, वो उसके ऊपर सेट हो जाएगा ना वापस। कुछ लेकर आओगे ये सब जो फट गया? वो कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ से बेटर है, हीट होकर हटता ही है ये, ये देखिए बात है। ये हीट होता है ना, हाँ तो हटता ही हटता है। चलो अब लेकिन संभालो, मेन तो ग्लास ही है इसका। पानी उबाल के क्या साफ करोगे ये सब? नहीं नहीं वो ये तो हो गया काम, चिमनी का ऊपर साफ होगा। अच्छा पानी उबाल के चिमनी साफ करोगे। नया मॉडल होता तो हम कहते भी कि भाई पहले ऐसा आता था, उसमें भी लॉक लगा होगा जो पहले वाला ट्राई कर रहे थे। हाँ वही, अब पेच वाले आ गए भी है। ये डैमेज कर रखी है, ये डैमेज मतलब इसी से है ना, तेल वगैरह से पूरा, ये पूरा जाम हो गया है इसका, मतलब सही है सर्विस करा ली हमने बिना किसी प्रॉब्लम की भी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती आने वाले टाइम में। ये देखो कितना निकल रहा है, अब इसको आप गर्म पानी से धोओगे? गर्म पानी प्लस केमिकल, गरम पानी प्लस केमिकल, खाली गरम पानी से। हाँ समझ गया, तभी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता है ना ये।
ये मेन मोटर होती है क्या इनकी? हाँ ये मेन मोटर, ये वाली ना सक्शन पावर जिसमें होती है। और ये जो आपके हाथ में ये क्या है? ये रोटर घूमता है। अच्छा, फैन का काम करता है। फैन का काम करता है ये। ये तो अंदर था इसलिए बिल्कुल साफ सुथरा ही बचा हुआ है ना? ये मोटर होती है, साफ होती नहीं है। ये तो वैसे भी साफ ही दिख रही, कह रहा हूँ क्योंकि ये बैक एंड पे रहती है ना, पीछे पीछे की तरफ। गंदगी सारी इसके अंदर आ गई। अच्छा हाँ, इसके अंदर भी काफी बहुत जमा हुआ है। ये सब पूरा सब क्लीन हो जाएगा ना प्रॉपरली, बस आप ख्याल रखना एक बार, क्योंकि ये हटता नहीं है बार बार, तो इसको भी थोड़ा सा कर देना। अभी महाराज इतनी धूप में खेल रहे हैं और इनको पता नहीं कि इनका होमवर्क वगैरह सब पड़ा हुआ है। चार चक्कर लगा चुका हूँ ऑलरेडी। अब है टाइम, देख रहा कितना हो गया। लुक एट द टाइम मैन। ठीक है ना? कास्टिक सोडा और तीन चार चीज और वो जो नीचे रखा हुआ है। काफी लग तो रहा है जितना हो सकता है। बाकी ये जो ग्लास वाली चीज है ना, इनमें भी कर देना, ये स्टिकी हो रहे हैं। जैसे उस तरफ रखा है एक, ये भी स्टिकी हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जैसे स्टिकी सा हो जाता है ना, इसको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। ये यही तो हाँ, बट आपका केमिकल वही तो कमाल दिखाएगा, और तो कुछ कर नहीं सकता। ये चीजें भी साफ करोगे ना अभी आप? ये आउटर वाला, हाँ आउटर में भी काफी गंदा है, क्योंकि ये रोज रोज होता नहीं। अब फिर दोबारा डेढ़ दो साल बाद ही खुलेगा। डेढ़ दो साल बाद? एक साल बाद करा लें क्या? चलो ठीक है, एक साल बाद करा लेंगे। इसका कैपेसिटर गायब हो जाएगा। अच्छा ठीक है। काफी गंदा हो गया ना, टेप लगानी पड़ेगी। बिल्कुल लगानी पड़ेगी। हाँ भाई, पता नहीं क्यों गिर रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, सेंटर नहीं बन रहा है। आप इस गैप को नया चेक कर रहे हो सर? हो गया सही, चल रहा है सब बढ़िया। कुछ फर्क पड़ा इसमें? वैसे तो ये ऑलरेडी सही चल ही रहा था। मुझे लगा था ये सब थोड़ा चमक जाएगा, ये ऐसा ही है। ये क्लीन नहीं हुआ। अच्छा ये हमारा लाल मिर्च का अचार और लहसुन का अचार। अभी महाराज बहुत शोर मचा रहे हैं। ये हमारी दाल, आलू गोभी, इसमें पनीर भी डालने की बात हुई थी, दिखाई तो दे नहीं रहा। और ये राजमा चावल, और ये है हमारे सैलड। सैलड में डाला है संगी ने खीरा और प्याज, और साथ में टमाटर, क्योंकि टमाटर कमाकर तो हर कोई खाता है, लेकिन टमाटर। भाई साहब ये संडे है, ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना सो रहा हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है सोने में। शायद संगी सुबह ना जल्दी उठ गया था, वो भी रीज़न हो सकता है। बहुत दिन बाद क्रिकेट खेल लिया दोस्तों के साथ, और अब लग रहा है बस सोते रहो। एक बंदा लिख रहा है, ऐसा वीडियो मत बनाया करो, बकवास, एकदम बकवास वीडियो। मेरी जो 24 मिलियन गई है ना बॉल वाली वीडियो, उसमें लिखा है किसी ने। अच्छा लगता है कोई लिखता है ऐसा तो। अच्छा लगता है, ओ मैं गिर गया वापस। अच्छा लगता है। चाय बना दो, जल्दी पिला दो ना, भूख लग रही है। बनाना चाय। फ्रेंड्स चाय का टाइम हो गया है, सारे आ जाइए, सारे फ्रेंड्स आ जाओ, चलो चाय पीते हैं। संगी तुम भी आ जाओ, तुम्हारा वेट कर रहे हैं हम। कम ऑन, लेट्स हैव टी। सुबह हो या शाम, पानी डालो, बहुत आराम। घास ही घास हो गई है, ये वेदर नहीं है भाई साहब।
पौधे संभालने का। यहाँ तो फिर भी हरे नजर आ रहे हैं, छत पे जितने भी पड़े हैं वो सब तो वाइट हो गए हैं, येलो हो गए हैं, झड़ गए हैं बिल्कुल ही। बुरा हाल हो गया यार, बैड शेप। मेरे को लगता है कि यार इसको ना अब काफ़ी सारे पौधे अब निकालने का समय आ गया है, हम ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। यहाँ पे पानी संगे भी पूरी जगह पानी नहीं डाला है लग रहा है। अच्छा डालना है, ठीक है भाई साहब। मून तो दिख गया, चंद्रयान नज़र नहीं आ रहा। दिख ही नहीं रहा है तुम्हें? दिख रहा है संगीत? दिख रहा है हमारा चंद्रयान? नज़र आ रहा है क्या? हाँ जय श्री राम। अरे जल्दी सुना। ख्वाब जिसे छूना चाहे वो आकाश एक है, अंधेरों में रोशन पर्दे की सांस एक है। एक्टर ला सुनाओ। तो आज का हमारा डिनर है ये, और चाय, चाय अभी बनी नहीं है, पहले कराएंगे शेविंग उसके बाद। एक नंबर कौन सी? यही है मैगी तो नहीं है, चिंग वाली है। अच्छा चिंग स्पाइसी है, है ना? गलती से थोड़ी सी मिर्च और डाल दी। एक्चुअली गार्लिक वाली है ना ये, तभी मैं सोचूं ये इतना तीखा कैसे बना हुआ है। बस सारा दिन लिमका लाते रहो, घर में पानी पियो, पानी और नींबू डाल के। बस करो भाई। अरे आप ले आना, मेरे को बना। भाई साहब ये टूट गया था, इनफैक्ट टूटा हुआ आया था याद है, तो ये चेंज कराना है। गाड़ी में छोड़ रहा हूँ, नहीं तो भूल जाते हैं इसको चेंज कराना। गाड़ी में रख देता हूँ ताकि कभी भी जाएंगे तो याद रहेगा। शेविंग इतनी वैसे बड़ी नहीं है लेकिन कराना जरूरी है। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ।